बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको दांतों में दर्द हो तो क्या करना चाहिए इसके लिए चार तरीके बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे रख दे और हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। दांतों में तकलीफ से निजात के चार तरीके। नंबर एक, नमक मिले पानी से कुलियां। एक टेबलस्पून नमक गर्म पानी में घोलिए, फिर उस नमक मिले पानी को मुंह में भरकर 30 सेकेंड अच्छी तरह हिलाइए और फिर थूक दे। इस अमल को 3 से 4 बार करने से फौरी तौर पर आप दर्द को कम महसूस करेंगे। नंबर दो, लौंग का तेल। लौंग के तेल को दांतों की उस जगह लगाएं जहाँ दांत में तकलीफ हो रही हो, या लौंग के तेल के 2 कतरे रुई के टुकड़े पर टपकाएं और उसे अपने दांतों पर जहाँ दर्द है उस पर लगे रहने दे। उस पर उस वक्त तक लगे रहने दे जब तक कि दर्द में कमी ना हो। नंबर तीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बैक्टीरिया को कम करने और तकलीफ में कमी के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन से कुलियां करें। इससे दांत में दर्द में सुकून मिल जाता है, उसके बाद डॉक्टर से मिल सकते हैं। नंबर चार, खास दांतों वाले पेस्ट का इस्तेमाल। ऐसे टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जो खास दांतों के लिए हो। इससे दर्द में कमी आएगी और ठंडा या गर्म दांतों पर ज़्यादा असर अंदाज नहीं होगा। इस प्रॉब्लम के लिए सेंसोडाइन रैपिड एक्शन टूथपेस्ट दुनिया भर में फ़ायदेमंद माना जाता है। अल्लाह पाक हम सबको हर बीमारी से शिफा अता फरमाए, आमीन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे रखें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।